आज हम मधुकामिनी का पेड़ बाल्टी में लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम बोरी में लगाए थे। बोरी बहुत बड़ी थी, नीचे मिट्टी बहुत ज्यादा। अगर इस साल इसको छोड़ देते इस बरसात में तो ये गल कर खराब, इसलिए बाल्टी में हम धान की भूसी भर के नीचे डालकर और उस पर भी मिट्टी डाल दिए। और मिट्टी डालने के बाद उसमें एक ऑर्गेनिक खाद होती है, वो ऑर्गेनिक खाद उसमें थोड़ा सा डालकर और मिट्टी में हम मिला लेते हैं। ये मिला लिए हम, मिलाने के बाद फिर इसमें मिट्टी ऊपर से भी डाल देंगे। अब हम इसको बाल्टी में थोड़ा मिट्टी कम कर लेते हैं, जैसे कि पौधों को हम बैठा सकें उसमें, क्योंकि पौधे लगाने के बाद भी उसमें हमको मिट्टी ऊपर से डालनी होती है। देखिए ये मेरा फैल गया था, इसलिए इसको रस्सी से कपड़े से बांध के रखे थे। इसी में सारी पत्तियां सूख सूख कर नीचे गिर गई, क्योंकि जून के महीने में इतनी तेज़ लू हवा, पत्तियां ज़्यादातर जल गई थी, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से हम कट कर दे रहे हैं, क्योंकि बरसात में ये बहुत तेज़ी से फैलेगा। तो इसको हम ऊपर से साफ ऑफ करके पूरा जो नीचे का सूखी सूखी लकड़ी या कोई पत्ती उत्ती उसमें है उसको सारा चीज़ निकाल देंगे। इसमें से निकालने के बाद इसको पूरी तरह से साफ कर लेंगे। इसमें जो बड़ा बड़ा जड़ है थोड़ा सा उसको थोड़ा छोटा कर देंगे, मिट्टी निकाल देंगे उसमें से, जैसे कि हवा लगे और नया खाद और नई मिट्टी सारी चीज़ जाकर पौष्टिक उसको दे। अब इसमें हम अच्छे ढंग से इसको बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद हम इसमें ऊपर से मिट्टी डालेंगे, डाल के उसको गैपिंग को पूरा भर देंगे, जितना गैप है उसके अगल बगल पूरा दबा के कर दिए। अब इसमें हम मिट्टी डाल देते हैं, चारों तरफ से मिट्टी डाल के हम इसको बैठा देंगे, जैसे ये हिले ना, क्योंकि हिलेगा तब पौधे को दिक्कत होगी, ग्रो नहीं करेगा, इसलिए इसको नीचे जितना भी जगह है इसको बैठा देते हैं। इसको बाल्टी को हिला हिला कर सारा बैठा देते हैं इसकी मिट्टी को। बैठाने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे, एक बार पूरा ऊपर तक भर देंगे, क्योंकि नीचे की जो गैपिंग है इस पानी के द्वारा मिट्टी को बैठा देगा। और एकदम इसी तरह थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है, ठोक के सही कर लेते हैं। सही है, अब मेरी मधुकामिनी तैयार हो गई है। अब इसको हम जगह पे रख देंगे, जहाँ पे इसको रखना है जगह पे इसको रख देंगे, जैसे बरसात की पानी इसको मिले।